गांव में और शहर में जो अभी लोकसभा चुनाव के बाद में जो प्रोग्राम हो रहे हैं, सभी प्रोग्राम बहुत ही काबिल तारीफ और हमारी भी आशा और उम्मीद से ऊपर आम जनमानस का सहयोग समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। और आपके सामने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आम जनमानस ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया था, मुझे लगता है विधानसभा चुनाव में तो उससे दुगने तिगने जोश के साथ आम जनमानस कांग्रेस पार्टी का साथ देगा और बीजेपी को तड़ी पार करने का काम करेगी। सरपंचों के ऊपर सरकार अनावश्यक दबाव बना रही है, कभी उनको विजिलेंस का डर दिखा के उनको अपनी तरफ कर रहे हैं, कभी उनको पेमेंट रोकने का डर दिखा रहे हैं, तरह तरह के उनको डर दिखा के सरपंचों को जबरदस्ती अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सरपंच ना तो पंचकूला वाली लाठी बोलेंगे और ना पिछले दिनों सरकार द्वारा जो समय समय पर चाहे मंत्रियों द्वारा या पार्टी के महामंत्रियों द्वारा जो सरपंचों को बेकदर किया गया, जो इनके खिलाफ उन्होंने आवाज चल रही थी बीजेपी की, सभी बातों को सरपंच याद रखेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी सरपंच एसोसिएशन कांग्रेस पार्टी का साथ देगी। और वहाँ तो हमारे विधायक ने सरपंचों को गुमराह करके बुलाया था, बुलाया और किसी काम से था और घोषणा और किसी काम की होगी। सरपंच साहिबान ने तो खुद कहा है कि हम झाड़ा तो सांप का लगाने गए थे और हमारे साथ साथ उन्होंने बिच्छू का झाड़ा भी लगा दिया। और सरपंच एसोसिएशन पूरी तरह मन बना चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे, क्योंकि सरपंचों को पता है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा पंचायती राज की पक्षधर रही है। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने पंचायती राज लागू किया था और उसी के तहत चाहे जिला परिषद हो, ब्लॉक समिति हो, चाहे सरपंच हो, इनको अपने अधिकार मिले थे और इन अधिकारों को कांग्रेस पार्टी सुरक्षित रख सकती है। और मुझे लगता है चुनाव आयोग ने भी हरियाणा प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता जनार्दन की भावनाओं को कदर करते हुए समय से पहले चुनाव कराने का प्रयास कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है और कांग्रेस के साथ साथ हरियाणा प्रदेश की जनता जनार्दन भी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है।